हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन दी ऑनलाइन क्लास ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री, सेकेंड सेमेस्टर सिविल मैकेनिकल ब्रांच. आई एम प्रोफेसर स्वाति इंगरे फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर. हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है मेटल्स, अलॉयज, सीमेंट, लाइम एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल. आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ कॉपर मेटल. कोर्स आउटकम: सेलेक्ट द रिलेवेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. लर्निंग आउटकम: स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप स्टूडेंट कॉपर मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में जानकारी समझेंगे. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस वीडियो का एक क्विक रिविजन देख लेते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने आयरन मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ा, जिसमें सबसे पहली स्टेप होती है क्रशिंग, देन सेकंड स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन बाय हमने ग्रेविटी सेपरेशन मेथड पढ़ा, उसके बाद फ्लोटेशन मेथड. देन स्टेप नंबर 3 इज द रिडक्शन इन द ब्लास्ट फर्नेस. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल. हाँ, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर के भी अलग अलग ओर्स हैं जिससे हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे क्यूपराइट है, जिसका फॉर्मूला है Cu2O, और कॉपर ग्लांस, जिसका फॉर्मूला है Cu2S. मतलब हम उसमें से कॉपर को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन वर्ल्ड वाइड कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो ओर सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाती है, उसका नाम है कॉपर पायराइट. कॉपर पायराइट का फॉर्मूला है CuFeS2. मतलब इसमें कॉपर तो होता ही है, क्योंकि इसी में से हमको कॉपर बाहर निकालना है. लेकिन साथ में थोड़ी मात्रा में उसमें होता है आयरन, और साथ में इसमें प्रेजेंट होता है सल्फर. तो कॉपर पायराइट से भी हम कॉपर को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. कॉपर ओर के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी वही 4 स्टेप होती है. पहली स्टेप क्रशिंग. बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं कॉपर पायराइट के, उनको जॉ क्रशर में डाल के उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा, और फिर उसके ऊपर आगे की प्रोसेस जो है वो की जाती है. सेकंड स्टेप जो होता है उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन. ये हम बार बार पढ़ रहे हैं. कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस में हम जो ओर में गैंग होता है, गैंग मतलब जो अर्दन इम्प्योरिटी, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेती जो होती है, सैंड जिसको हम बोलते हैं, उसको हटाने का काम करते हैं. ये करने के लिए कुछ फिजिकल मेथड होती है, कुछ केमिकल मेथड होती है. तो कॉपर ओर के लिए, मतलब कॉपर पायराइट के लिए, हम फिजिकल मेथड यूज़ करने वाले हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. इसके पहले हमने जो आयरन ओर के लिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए मेथड यूज़ की थी, उसका नाम था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. ये यहाँ पे कॉपर ओर के लिए हम एक थोड़ी सी डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. वो आज के इस वीडियो से हम सीखेंगे. केमिकल कॉन्सेंट्रेशन मेथड जो है, दैट इज रोस्टिंग. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज ऑफ रिडक्शन. मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि मेटलर्जी के प्रोसेस में रिडक्शन ही वो स्टेप है, जिस स्टेप में एक्चुअली में ओर में से मेटल जो है वो बाहर निकलता है. और कॉपर के एक्सट्रैक्शन में एक स्पेशल टाइप की प्रोसेस की जाती है, जिस प्रोसेस को कहते हैं बेसमराइजेशन प्रोसेस. तो वो प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे. अब हमने तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस में ही मैक्सिमम कोशिश की थी कि सारा की सारी इम्प्योरिटी, जो गैंग है, वो हट जाना चाहिए. लेकिन फिर भी अगर कुछ उसमें गैंग बचता है, तो जो बची कुछ ही इम्प्योरिटी है, उसको हटाने के लिए एक लास्ट स्टेप होती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे. सबसे पहला जो होता है क्रशिंग स्टेप, वो तो आप लोगों को पता है कि जॉ क्रशर नाम की मशीन में डाल के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है. देन दूसरी जो स्टेप होती है, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन. कॉपर ओर, मतलब कॉपर पायराइट के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन की मेथड हम यूज़ करते हैं, उस मेथड का नाम है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. फ्रॉथ
फ्लोटेशन। अब मैं पहले आपको मेथड समझाने से पहले इस फ्रॉथ फ्लोटेशन वर्ड का मीनिंग समझा देती हूँ। फ्लोटेशन, यहाँ पे फ्लोट वर्ड आया है। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, आप लोगों को पता होगा ये चीज़। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, ठीक है। और फ्रॉथ का मतलब होता है झाग। फ्रॉथ का मतलब क्या होता है? झाग। तो इस मेथड के नाम में अगर फ्रॉथ फ्लोटेशन आया है, इसका मतलब इसमें ज़रूर झाग बनता होगा जो सरफेस के ऊपर तैरता होगा। तो आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं, ऐसा ही है। पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझा के बताती हूँ। इन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ओर पाउडर प्लस वाटर पाइन ऑयल इज कलेक्टेड इन अ टैंक। एक ये डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे आपको एक टैंक दिखाई दे रहा है। इस टैंक में कौन सी चीज़ें मिलाई जाती है? ओर मतलब कॉपर पायरेट, जिसको हमने जॉ क्रशर में डाल के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, पाउडर फॉर्म में ले लिया है। उसके बाद उसमें ऐड किया जाता है वाटर, और तीसरी चीज़ उसमें ऐड किया जाता है पाइन ऑयल। तीसरी चीज़ उसमें क्या ऐड की जाती है? पाइन ऑयल। अब आप लोगों को ये चीज़ तो पता है कि जब भी हम वाटर में ऑयल मिलाते हैं तो वो लोग आसानी से मिलते हैं कि ये दो चीज़ें नहीं। वाटर और ऑयल कभी भी डायरेक्टली आसानी से एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। अगर हमको उनको मिलाना है तो हमको उसको कंटिन्यूसली स्टर करना पड़ेगा, है ना। कंटिन्यूसली हमको उनको स्टर करना पड़ेगा। स्टर करने के बाद ही ऑयल और वाटर जो है वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे और इमल्शन बनाएंगे। अब उसका भी मतलब प्रॉब्लम ऐसा है कि जब तक हम उसको मिलाते रहेंगे तब तक ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिलेगा, लेकिन जैसे ही हमने उसको फिर से स्टैंड बाय पोजिशन में रख दिया और हम थोड़ा इधर उधर चले गए तो फिर से क्या हो जाएगा? ऑयल सेपरेट हो जाएगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा। ऑयल हमेशा ऊपर सेपरेट होता है और वाटर हमेशा नीचे सेपरेट होता है। तो इसी कंसेप्ट का इस मेथड में जो है वो उपयोग किया हुआ है। तो ये टैंक में हमने क्या लिया? ओर लिया, उसमें हमने डाला वाटर और उसमें हमने डाला पाइन। फिर इसको कंटिन्यूसली क्या किया जाता है? स्टर किया जाता है। तो स्टर करने की वजह से वहाँ पे प्रोड्यूस होता है झाग। स्टर करने की वजह से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? झाग। आप लोगों को भी पता होगा, जैसे घर में हमारी मम्मी जब दाल बनाती है तो आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, गर्ल्स लोगों ने तो बनाई भी होंगी। तो जब दाल को हम घोटते हैं, पहले वो नॉर्मल दाल के जैसी दाल रहती है, हम पानी डालते हैं उसमें, लेकिन जब हम उसको घोटते हैं तो घोटते समय हम उसको विगरसली स्टीर करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? झाग प्रोड्यूस हो जाता है। वो झाग सरफेस के ऊपर आ जाता है। वैसे ही जब हम ऑयल और वाटर को और के मिक्सचर को कंटिन्यूसली स्टर करेंगे तो वहाँ पे झाग प्रोड्यूस होता है और वो झाग जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमको करनी है। जब हम ये विगर स्टरिंग कर रहे हैं उस समय पे हमें उस सॉल्यूशन में कॉम्प्रेस्ड एयर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर में हम उसमें क्या डालते हैं? एयर भी डालते हैं। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब अगर हम नॉर्मल दाल को घोट रहे हैं तो झाग तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन साथ में अगर हम उसमें एयर भी पास कर रहे हैं तो झाग कम प्रोड्यूस होगा कि ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? ऑब्वियसली झाग जो है वो और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा। सेम वैसे ही जब हम ऑयल और वाटर के और के मिक्सचर को स्टर करते हैं तो झाग तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब हम उसमें कंप्रेस्ड एयर डालते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा प्रेशर से, तो वहाँ पे और ज़्यादा झाग जो है वो प्रोड्यूस होता है। यहाँ से एक्चुअल में प्रोसेस जो है सेपरेशन का स्टार्ट होता है। अब और में क्या प्रेजेंट है? और में प्रेजेंट है गैंग। तो इसमें से ये जो ओर होता है उसकी एफिनिटी होती है झाग की तरफ। ओर जो है उसकी एफिनिटी किसके तरफ मिलने की होती है? झाग की तरफ। और झाग कहाँ पे तैर रहा है? सरफेस के ऊपर। तो ये जो कुछ भी ओर के पार्टिकल है जो हमने पाउडर फॉर्म में उसमें डाले थे, ये सारे के सारे पार्टिकल उस झाग में ट्रैप हो जाते हैं और वो जो है वो झाग के साथ ऊपर में तैरने लगते हैं, जिसको बाद में वो झाग को हटा लिया जाता है, फिर झाग को साफ किया जाता है और उसमें से हमें कौन मिल जाएगा? ओर। और इसमें जो गैंग पार्टिकल है, ठीक है ना, इसमें जो गैंग पार्टिकल, गैंग मतलब क्या? तो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर रेत, उसकी एफिनिटी किसके तरफ होती है? वाटर की तरफ। तो
तो वो झाग में नहीं मिलता, वो किस में मिलता है? वाटर। और वाटर हमेशा कहाँ पे सेपरेट होता है? नीचे। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो पानी के साथ नीचे ही रह जाती है। तो इस तरह से फ्लोटेशन मेथड में हम ओर में से गैंग को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को फ्लोटेशन मेथड और उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है दैट इज़ द रिडक्शन स्टेप, द मेन स्टेप इन विच द मेटल इज एक्चुअली सेपरेटेड। मेटल जो है वो एक्चुअली सेपरेट होता है। तो रिडक्शन प्रोसेस जो है वो ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। आयरन का भी रिडक्शन ब्लास्ट फर्नेस में होता है, इसका भी रिडक्शन ब्लास्ट फर्नेस में होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लास्ट फर्नेस में जब हम रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें चार्ज ऐड करना पड़ता है। चार्ज में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है ओर, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है फ्लक्स, मतलब बची कुची इम्प्योरिटी को, बचे कुचे गैंग को हटाने के लिए। तो यहाँ पे भी हम तीन चीज़ें ऐड करेंगे। पहला हम ऐड करेंगे रोस्टेड ओर, ठीक है, तो कॉपर पायराइट मतलब CuFeS2 हम ऐड करेंगे। देन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट अगेन यहाँ पे भी कोक यूज़ किया जाता है, कोक मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और यहाँ पे एज अ फ्लक्स यूज़ किया जाता है सिलिका, एज अ फ्लक्स इसमें यूज़ किया जाता है सिलिका। और ये सब डाला जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। देन ब्लास्ट फर्नेस में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके बाद जो है फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, उसे कहा जाता है कॉपर मैटिक। ये केमिकल रिएक्शन जब हम देखेंगे तो आपको कॉपर मैटिक क्या है वो समझ में आएगा, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कुछ इस तरह से है कि 2FeS जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में हम हीटिंग विद द हेल्प ऑफ एयर कर रहे हैं। एंड इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ FeO विद द रिलीज ऑफ Twice SO2. Then this FeO reacts with the flux. जो सिलिका हमने यहाँ पे एज अ फ्लक्स करके ऐड किया है उसके साथ वो रिएक्ट करता है और वो बन जाता है स्लैग। वहाँ पे क्या बन जाता है? स्लैग। और मैंने आप लोगों को बताया था ये स्लैग जो है ये भी हम नीचे के आउटलेट में से बाहर निकाल देंगे। और दिस Cu2O then react with the FeS and gives the formation of FeO plus Cu2S, FeO plus Cu2S। और ये जो कुछ भी हमें मिक्सचर मिलता है Cu2S का और FeS का, इसे कहा जाता है कॉपर मैटे। इसे क्या कहा जाता है? कॉपर मैटे। और इस कॉपर मैटे में से अभी तक देखो मैक्सिमम हर मेटलर्जी के प्रोसेस में, रिडक्शन प्रोसेस में मेटल अलग हो ही जाता है, लेकिन कॉपर के मेटलर्जी में ऐसा नहीं होता। कॉपर के मेटलर्जी में कॉपर डायरेक्टली अलग नहीं होता, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ FeO प्लस Cu2S, जिसे कहा जाता है कॉपर मैटे, जिसे कहा जाता है कॉपर मैटे। हमें इस FeO से और सल्फर से कुछ भी काम नहीं है, हमें किससे काम है? Cu से, कॉपर से। तो ये जो कुछ भी मिक्सचर ब्लास्ट फर्नेस में मिलता है, जो नीचे साइड में मोल्टन स्टेट में जमा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉपर मैटे। उसे क्या कहा जाता है? कॉपर मैटे। मैं डायग्राम के साथ आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से ब्लास्ट फर्नेस में जो है वो हम चार्ज डालते हैं। कॉपर के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हम एज अ चार्ज क्या क्या ऐड करते हैं? एक तो हमारा पाउडर्ड कॉपर पायराइट ओर रहेगा CuFeS2। उसके बाद एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम उसमें कोक ऐड करते हैं, और एज अ फ्लक्स हम इसमें ऐड करते हैं सिलिका। फिर ये सारी चीज़ें ब्लास्ट फर्नेस में अंदर जाएंगी ये कप एंड कोन के माध्यम से। फिर यहाँ से हम हीटिंग के लिए हॉट एयर पास करेंगे, तो ये हॉट एयर में जो ऑक्सीजन है वो उस चार्ज के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। चार्ज के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे बनेगी कुछ फ्ल्यू गैसेज, जैसे SO2 और SO3 जो है वो बाय प्रोडक्ट गैसेज बनती हैं, जो ये ऊपर वाला फ्ल्यू गैस के चैम्बर में से बाहर निकल जाएगा। ये जो सिलिका है वो आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन ऑक्साइड के साथ, और वो CuFeS2 बन के जो है स्लैग जो है वो बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक्चुअली ये रिडक्शन प्रोसेस होने की वजह से कॉपर मेटल जो है वो मोल्टन स्टेट में मिल जाना चाहिए, जो नीचे के आउटलेट से हम बाहर निकालेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में कॉपर की मेटलर्जी में रिडक्शन के प्रोसेस में डायरेक्टली कॉपर बाहर नहीं निकलता, तो क्या बाहर निकलता है? तो कॉपर मैटे बाहर निकलता है। देन वॉट इज़ दिस कॉपर मैटे? तो कॉपर मैटे इज़ द मिक्सचर ऑफ CU2S
एंड FeO, Cu2S एंड FeO, जो कॉपर मेटल यहाँ पे नीचे में जमा हो जाएगा। और इसीलिए कॉपर की मेटलर्जी में एक और एक्स्ट्रा स्टेप होती है, दैट इज कॉल्ड एज बेसमराइजेशन, जिसे क्या कहा जाता है, बेसमराइजेशन। यहाँ पे समझने वाली और याद रखने वाली चीज़ ये है कि रिडक्शन प्रोसेस जब हम करते हैं कॉपर ओर की, तो डायरेक्ट कॉपर नहीं मिलता, तो क्या मिलता है, कॉपर मैटे। और कॉपर मैटे का केमिकल फॉर्मूला के ऊपर हमेशा एमसीक्यू पूछा जाता है, तो उसका आंसर है कॉपर मैटे में क्या होता है, Cu2S प्लस FeO। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज बेसमराइजेशन, तो वो अब हम समझते हैं कि बेसमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है। तो बेसमराइजेशन प्रोसेस मतलब क्या, तो इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द कॉपर मैटे इनटू क्रिस्टल कॉपर। एक्चुअल में रिडक्शन प्रोसेस में ही कॉपर जो है वो बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन कॉपर की मेटलर्जी में रिडक्शन प्रोसेस में कॉपर बाहर नहीं निकलता, तो क्या बाहर निकलता है, कॉपर मैटे। कॉपर मैटे जो है दैट इज द मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड FeO। तो बेसमराइजेशन प्रोसेस में इसमें से प्योर एकदम 100% प्योर कॉपर तो बाहर नहीं निकलता, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट पे इंप्यूरिटीज होती है, इसीलिए उसको कहा जाता है ब्लिस्टर कॉपर। उसमें से क्या बाहर निकलेगा, ब्लिस्टर कॉपर बाहर निकलेगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो फ्ल्यू गैसेस बन के निकल जाएगी। द मैटे इज हीटेड विद अ स्टैंड एंड हॉट एयर इन अ बेसमर, अ टाइप ऑफ फर्नेस। अब ये जो कुछ भी बेसमराइजेशन प्रोसेस है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये बेसमराइजेशन प्रोसेस इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट में की जाती है, और इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है बेसमर कन्वर्टर। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, बेसमर कन्वर्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टैंड बना हुआ है, ये ग्रीन कलर की जो दो रॉड है वो स्टैंड है, और ये यहाँ पे एक पेंटागोनल शेप में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द बेसमर कन्वर्टर। ये बेसमर कन्वर्टर ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड है इसके ऊपर लटकाया हुआ रहता है, और ये जो है ये झूले के जैसा झूल सकता है। आप लोगों को यहाँ पे इमेजिन करना है, दिस बेसमर कन्वर्टर कैन स्विंग लाइक अ स्विंग, है ना, एक झूले के जैसे वो वहाँ पे झूलता रहता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस करते समय हमें कंटिन्यूसली वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई करना है, और हमें पता है कि जब हम झूला झूलते हैं तो हवा कम लगती है कि हवा ज़्यादा लगती है। हाँ, जब हम झूला लेते हैं तो हमें हवा ज़्यादा लगती है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड पे ये बेसमर कन्वर्टर जो है ये कंटिन्यूसली झूलते रहता है। ओके, देन इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो भी कॉपर मैटे है वो कॉपर मैटे उस बेसमर कन्वर्टर में डाला जाता है, और साथ में हम उसमें अगेन पास करते हैं हॉट एयर, और हम उसमें सैंड भी डालते हैं। सैंड इज अगेन एक्टिंग एज अ फ्लक्स, कि जो बचा कुचा उसमें इम्प्यूरिटी है, गैंग है, वो हट जाना चाहिए। देखो, ये गैंग को हटाने की कोशिश ना हम हर स्टेप में करते हैं, कोई भी मेटलर्जी प्रोसेस हो, किसी भी मेटल की हमारी कोशिश हमेशा यह रहेगी कि हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है वो उसमें कम से कम इम्प्योरिटीज जो है वो होनी चाहिए, इसलिए हर स्टेप में हम उसको गैंग को हटाने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये बेसमर कन्वर्टर में भी हम हॉट एयर डालते हैं, और साथ में हम जो डालते हैं वो डालते हैं सैंड। अब वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होती है, द Cu2O रिएक्ट्स विद द Cu2S एंड गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ 6 Cu। कॉपर जो है वो बाहर निकल गया, और सारे के सारा सल्फर जो है इट इज़ रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ SO2। इसमें जो ऑक्सीजन है, इसमें से जो सल्फर है, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कौन सा गैस बन जाता है, SO2 गैस बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, वो एस्केप हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा मेटल मिला है, कॉपर। लेकिन समझने वाली चीज़ ये है कि दिस कॉपर इज़ नॉट 100% प्योर, इसमें अभी भी कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या प्रेजेंट होती है, इम्प्योरिटी। इसीलिए हमको हमारे मेटलर्जी के आखिरी स्टेप करना ज़रूरी है, जिसका नाम है रिफाइनिंग प्रोसेस। और कॉपर के रिफाइनिंग के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आपको मैं याद दिला देती हूँ कि दिस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस स्टडी किया है। हमने दो एप्लीकेशन पढ़े थे, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग और दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो सेम वही प्रोसेस है।
इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रो वर्ड आया है, मतलब यहाँ पे हमें जो भी रिफाइनिंग करनी है, जो भी प्यूरिफिकेशन करना है, इट इज बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है वो हम देखते हैं। द ब्लिस्टर कॉपर इज मेड एज अ एनोड। जो ब्लिस्टर कॉपर हमें बेसमेंट प्रोसेस में मिला है वो इम्प्योर कॉपर होता है, एंड इम्प्योर कॉपर इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर। तो जब भी आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि एनोड किसे बनाना है, कैथोड किसे बनाना है और कौन सा सोल्यूशन लेना है। तो आप ये असेंबली में ध्यान से समझेंगे कि जब हम एक कंटेनर लेते हैं तो उस कंटेनर में जो ब्लिस्टर कॉपर है, ब्लिस्टर कॉपर को हमको हमेशा बनाना है एनोड। हमेशा हमें उसको क्या बनाना है, एनोड, मतलब हमें उससे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है। देन इसमें से हमें क्या बाहर निकालना है, प्योर कॉपर। इसमें से हमें क्या बाहर निकालना है, प्योर कॉपर। तो जो प्योर कॉपर की प्लेट होती है उसे हमेशा बनाना है कैथोड। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर की प्लेट है दैट इज ब्लिस्टर कॉपर, मतलब इम्प्योर कॉपर, और ये जो कुछ भी प्लेट है यहाँ पे पिंक कलर की आप लोग देख रहे हैं दैट इज द प्योर कॉपर की प्लेट। जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो ये ब्लिस्टर कॉपर जो है ये स्क्वायर शेप में दिख रहा था, और ये कैथोड जो है प्योर कॉपर की प्लेट ये भी स्क्वायर शेप में दिख रहा था। देन जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं सोल्यूशन में से क्या पास होने लगता है, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हमें कौन सा सोल्यूशन लेना है, तो सोल्यूशन हम यहाँ पे लेंगे CuSO4 प्लस H2SO4, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और साथ में सोल्यूशन की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उसमें थोड़ी मात्रा में ऐड करते हैं H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, एनोड किसे बनाना, कैथोड किसे बनाना और सोल्यूशन कौन सा लेना। तो एनोड बनेगा ब्लिस्टर कॉपर, प्योर कॉपर की प्लेट बनेगी कैथोड, मतलब बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है, और सोल्यूशन में हम लेने वाले हैं CuSO4 एंड H2SO4 सोल्यूशन। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, तो हमें पता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, आयनाइजेशन होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, कटायन बनेंगे, अनायन बनेंगे, और कटायन जो है वो जाके डिपॉजिट होते हैं कैथोड के ऊपर। तो CuSO4 सॉल्यूशन का आयनाइजेशन होके Cu++ आयन्स बनेंगे, और ये Cu++ आयन किसके ऊपर जाके डिपॉजिट होंगे, कैथोड के ऊपर। और साथ में ही ये जो ब्लिस्टर कॉपर की प्लेट है जिसमें कॉपर भी है और इम्प्यूरिटी भी है, उसमें से भी कॉपर निकल निकल के किसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे। आप ये डायग्राम में देखिए, पहले ये स्क्वायर शेप में है, फिर जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हुआ धीरे धीरे कॉपर जो है वो निकल निकल के इस कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो गया। तो एनोड का वजन कम हो गया और कैथोड का वजन बढ़ गया। अब सारा का सारा कॉपर जब निकल के कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा तो एनोड पे क्या बचेगी, एनोड पे बचेगी सिर्फ इम्प्यूरिटी। तो वो इम्प्यूरिटी यहाँ पे ऊपर वायर में अटैच नहीं रहेगी, वो इम्प्यूरिटी यहाँ नीचे गिर जाएगी, और उस इम्प्यूरिटी को कहा जाता है एनोड मड। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एनोड के नीचे गिरी हुई जो चीज़ है दैट इज इल्यूमिनेटेड एज अ एनोड मड, उसे क्या कहते हैं एनोड मड, क्योंकि ये एनोड से गिरा हुआ है। और इसमें से पूरा का पूरा प्योर कॉपर निकल के किसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड के ऊपर। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, कि ये ब्लिस्टर कॉपर का कॉपर निकल निकल के ये प्योर कॉपर के ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया। तो इस तरह से कॉपर की मेटलर्जी प्रोसेस से हम 99% प्योर कॉपर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए हमेशा हमें प्योर कॉपर की ही ज़रूरत होती है। देन तो अब हम समझते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो अब हम देखते हैं समरी कि आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा। आपने सीखा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, इसमें हमने सबसे पहले क्रशिंग प्रोसेस देखा, देन कंसंट्रेशन बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, किस तरह से हम वाटर और ऑयल, कौनसाइन पाम ऑयल को हम मिक्स करते हैं विथ और पाउडर। तो ये जो और पाउडर होता है वो ऑयल से बने हुए झाग में ट्रैप हो जाता है, और जो गैंग होता है धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर वो पानी में ट्रैप हो जाते हैं और पानी के साथ नीचे आ जाते हैं। देन रिडक्शन इन दी ब्लास्ट फर्नेस, रिडक्शन प्रोसेस जो है वो ब्लास्ट फर्नेस में होता है, जिसके प्रोडक्ट स्वरूप हमको मिलता है कॉपर मैटे। और
कॉपर मेटल मिलने की वजह से हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज बेसमराइजेशन। और बेसमराइजेशन प्रोसेस में हमें ब्लिस्टर कॉपर जो है वो मिलता है, मतलब इम्प्योर कॉपर। तो इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम एक और लास्ट स्टेप करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, मतलब प्यूरिफिकेशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। देन कोर्स प्रोग्राम आउटकम, तो आज आपको कॉपर के मेटलर्जी के बारे में, कॉपर के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है और ये चीज़ लाइफ लॉन्ग आप लोगों को याद रहने वाली है। जो आज हमने सीखा वही आपका असाइनमेंट है। आपको कॉपर के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में लिखना है, जैसे क्रशिंग, कॉन्सेंट्रेशन बाय फ्लोटेशन मेथड, रिडक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस, उसके बाद बेसमराइजेशन प्रोसेस एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।